हेलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन का पिछले साल देखिए 2022 का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जैसे आप लोगों को दिया गया था बिल्कुल वैसा देख लीजिए जैक बोर्ड झारखंड अधिवित परिषद क्लास नाइन टर्म वन एग्जामिनेशन दो पेपर टू गणित का एग्जाम एम यानी कि मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन आपको दिया जाएगा ऑप्शन वाला ठीक है अब यहां पर आप देख लो समय आपको दिया गया पूर्णांक आपको दिया गया इस वाले ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का हमने पहले भी पार्ट वन और पार्ट टू बना दिया है यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वहां जाकर उसको देख लीजिएगा आज के इस वीडियो में पार्ट थर्ड लेकर के मैं आया हूं सभी सवाल इंपॉर्टेंट है देख लीजिए और अपने दिल का जो डर है उस डर को खत्म कीजिए और देखिए किस तरह से क्वेश्चन जैक बोर्ड ने पूछा था पिछले साल सेम वैसा ही क्वेश्चन आपको इस साल भी पूछा जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे साथ ही साथ हमने साइंस का कल कल ही पार्ट टू अपलोड किया था सॉरी पार्ट वन उसका अपलोड किया था आप लोग उसको देख लो काफी सारा अच्छा रिस्पॉन्स आया है एक दो घंटे के अंदर में चार सौ स्टूडेंट ने उसे देखा है तो प्लीज जाइए और आप लोग उसको देखिए ठीक है आप भी उसका फायदा उठाइए कि साइंस में किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि मैथ और साइंस दोनों कंबाइंड होकर के एक साथ आपको एग्जाम होने वाला है तो उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जाकर उसको भी देख लीजिएगा और तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पिछले सभी सवालों में हमने क्वेश्चन नंबर बीस तक सॉल्व किया था पार्ट वन में दस सवाल पार्ट टू में दस सवाल आज का ये वीडियो पार्ट थर्ड होने वाला है तो यहां पर आप ध्यान से देखना यहां पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है सिंपल सा बात है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग किसको कहेंगे उसको बताना है एक्स प्लस बी बराबर जीरो को कहेंगे या एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो को कहेंगे या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो को कहेंगे या एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो को कहेंगे कि किसको कहेंगे आपको बताना होगा बताइए किसको कहेंगे ठीक है यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर दो यानी ए एक्स प्लस वाई प्लस सी तो बिल्कुल सही जवाब है इस सवाल का जवाब हो जाएगा ए एक्स प्लस वाई प्लस सी बराबर जीरो ठीक है लेकिन 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 यहां पर आपको एक चीज समझना होगा ये सभी जो यहां पर जो ए है और यहां पर जो बी है और यहां पर जो सी है ये ए बी सी वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए शून्य नहीं होनी चाहिए ठीक है जीरो नहीं हो सकता है यहां पे ए बी और सी जो है जीरो नहीं हो सकता है तभी वो दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएगा वरना दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा बस दो बातें याद रखना पहला तो ये फॉर्मूला याद कर लेना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में रहेगा तो वो रैखिक समीकरण होगा लेकिन ए बी और सी जीरो नहीं होना चाहिए याद रखिएगा जीरो नहीं होना चाहिए ठीक है समझ में आ गया ओके आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे अगला सवाल देखते हैं क्या है अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू में कह रहा है कि समीकरण टू एक्स प्लस थ्री वाई समीकरण टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर एट की तुलना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो से करने पर ए बी सी का मान क्या होगा सिंपल है भाई कंपेयर करने के लिए बोल रहा है देखो ए एक्स एक्स का एक्स से कंपेयर करो और ए यहाँ है तो यहां नंबर है तो ए का वैल्यू कितना हो गया दो ए का वैल्यू यहां भी दो यहां भी दो यहां भी दो यहाँ भी, दो, यहां, भी, दो, यहां, भी दो, यहां भी दो सब जगह सेम सेम है चलो आते हैं बी वाई यहाँ पे थ्री वाई तो बी का वैल्यू कितना हो गया थ्री प्लस में कि माइनस में प्लस में बी थ्री बी थ्री बी माइनस में बी माइनस में ये दोनों ऑप्शन खत्म मेरा बी यहाँ प्लस में दिखा रहा है आप बी माइनस में दिखा रहे हो तो कहां से होगा भाई यहीं पे खत्म हो गया ये चलो आते हैं सी में प्लस सी आ, सी का मान कितना आ गया भैया आठ है यहां पर लेकिन हम इसको उस तरफ ले जाएंगे क्योंकि मेरा सी इधर है तो इसको जब उधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा ना प्लस में तो माइनस हो, हो, तो हो जाएगा सी आठ होगा या माइनस आठ होगा तो माइनस आठ हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन ठीक है चलते हैं अगले सवाल पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री को ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री में कह रहा है कि, कि किसका हल है ये इसको बताना है एक्स और वाई को जोड़ देने से साथ आ जाना चाहिए एक्स बराबर जीरो वाई बराबर जीरो दोनों को जोड़ने से साथ आ रहा है नहीं आ रहा है छोड़ दो एक्स तीन है वाई जीरो है, को जोड़ देंगे तो सात हो जाएगा नहीं होगा छोड़ दो एक्स जीरो को जोड़ देंगे तो सात होगा नहीं होगा छोड़ दो एक्स तीन है वाई चार दोनों को जोड़ देने से सात होगा बिल्कुल सात हो जा रहा है तो वही ऑप्शन नंबर चार आंसर हो जाएगा आपका ठीक है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा चार हो जाएगा ठीक है अगले सवाल देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर में कह रहा है एक्स बराबर फोर है वाई बराबर वन है तो किस समीकरण का हल होगा इसको वेरीफाई करेंगे हम लोग ठीक है एक्स का मान वन रखेंगे का का मान अगर हम एक्स का मान यहाँ पे वन रख दे फोर रख दे क्योंकि बोला अगर हम यहां पे फोर रखेंगे और वाई का मान वन रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा चार ए चार ये भी हो जाएगा इसको हम बना के चाहेंगे तो आपको दिखा सकते हैं जैसे यहां पे देखो मैं बना के दिखा देता हूं कह रहा है कि एक्स बराबर फोर वाई बराबर वन ठीक है तो हम एक नंबर को वेरीफाई कर रहे हैं एक्स बराबर फोर वाई एक्स का जगह में क्या रखेंगे फोर यहाँ पे फोर है एक नंबर हो जाएगा ठीक है याद रखिएगा सभी एक नंबर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आप लोगों का अगला सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव में निम्न में से दो चर वाले रैखिक समीकरण को आपको पहचानना होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझ लीजिएगा टू एक्स प्लस फाइव बराबर जीरो एक्स प्लस वाई बराबर वन वाई बराबर टू या टू एक्स प्लस टू एक्स बराबर थ्री कौन सा इसमें दो चर वाला रैखिक समीकरण देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण के लिए शर्त क्या था दो चर वाला रैखिक समीकरण के लिए शर्त था कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए ठीक है और ए बी सी जो है जीरो नहीं होना चाहिए ठीक है पहला शर्त आते हैं देखते हैं आप कह रहे हो कि एक्स प्लस बीवाई होना चाहिए यहाँ पे तो वाई वाई है ही नहीं यानी दूसरा चर वाला तो संख्या है ही नहीं खाली ए को चर दिया है दो चर है कहां इसमें भैया दो चर होना चाहिए ना एक्स वाई जेड जो होता है तो इसमें दो चर होना चाहिए एक एक्स एगो वाई होना चाहिए यहाँ पर तो है आइए ना एक ही को चर हमको दिखाई दे रहा है ये तो पहले खत्म हो गया आप बोल रहे दो चर वाला यदि तो होगा ही नहीं पहले गए यहां पर भी हमको एक ही गुचर दिख रहा है ये भी नहीं होगा खत्म यहाँ पर भी एक ही गोचर दिख रहा है ये भी नहीं होगा खत्म इन तीन गो के बारे में सोचना ही नहीं है आपको क्यों सोचना भाई सिंपल है ना वो क्या बोला दो चर होना चाहिए दो गो होना चाहिए चाहे एम एन हो जाए चाहे एक्स जेड हो जाए चाहे वाई जेड हो जाए कुछ हो जाए ओकरा से क्या मतलब है दो गो होना ना चाहिए दो गो है, है ये नहीं है तो आप फिर सोच क्यों रहे भाई तो यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे ये तो होगा नहीं ये भी होगा नहीं ये भी यहाँ पे देखो दो गो मिल गया हमको दो चार मिल गया लेकिन हम जांचेंगे क्या ये उसको वेरीफाई कर रहा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को वेरीफाई कर रहा है हाँ भाई इसको जांच के तो देख लेते हैं देखो भाई यहाँ पे ये वेरीफाई करेगा कि नहीं करेगा वो देख लेते हैं ठीक है ये देखो एक्स प्लस वाई प्लस बराबर वन है ये वाला हम एक्स प्लस वाई बराबर वन है हम इसको वेरीफाई करते हैं ठीक है थीके? हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इसको इधर ले आएंगे माइनस वन बराबर जीरो हो गया ना अब देखो इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी बराबर जीरो ये चेंज हो सकता है ठीक है उसकी उसका टेंशन मतलब यहां प्लस नहीं है ऐसा नहीं होता है ठीक है ये चेंज हो सकता है अब यहां पे देखो ये कोई नंबर हो सकता है ये एक भी हो सकता है ये भी तो एक हो सकता है तो एक को किसी संख्या से गुना करते हो तो कितना आता है उतने ना आता है उतने ना आता है ठीक है उतने ही आता है ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन हो जाएगा अब इस वन को हम वापस उस तरफ भेज सकते हैं वापस उधर भेजेंगे फिर से हमारा यही आ जाएगा एक्स प्लस, प्लस वन तो यानी ये वेरीफाई कर गया यहाँ पे वन वन अगर हम रख दें यानी कि ए का वैल्यू और बी का वैल्यू वन रख दें तो ये हमारा वेरीफाई कर जाता है उस समीकरण को सेटिस्फाई कर देता है इसलिए ऑप्शन नंबर दो आंसर हो जाएगा ठीक है समझ में आ गया देखिए आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं अच्छे अच्छे समझा करके वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लिया कीजिए एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दिया कीजिए सभी दोस्तों को शेयर भी कर दिया कीजिए और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का तो आप अपने व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे ठीक है चलते भाई अगले सवाल पर क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा यानी जो समीकरण आप बनाने जा रहे हो वो एक्स अक्ष पे बनना चाहिए किस पे बनना चाहिए एक्स अक्ष पे तो एक्स अक्ष पे समीकरण कब बनेगा जब आपका वायु जीरो हो जाएगा यानी कि इधर उधर किधर नहीं भागेगा एक्से पे टीका रहेगा तो एक्स पर जब कोई टीका रहेगा तो एक्स का वेल एक्स अक्ष का जो वाई जीरो कर दो तो वाई को जीरो कर दो ठीक है सिंपल है भाई समझ लेना ठीक है नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन कह रहा है कि यदि टू फाइव रैखिक समीकरण इतना का हल है तो के का मान बताना है पर आपको कुछ नहीं करना है ठीक है है पर जो ये ये ब्रैकेट में नंबर दिया जाता ना एक्स का वैल्यू वैल्यू होता होता है 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 ये का तो आपको आपको पता ना निकालना क्या वेल्यू दो हो गया चार और वाई कितना था बाबू पाँच यहाँ पे पाँच रख लो बराबर के पाँच और चार मिला के कितना हो गया नौ ठीक है कितना हो गया नौ के का वैल्यू कितना आ गया नौ आ गया ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है समझ में आ गया सभी को चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट पे ट्वेंटी एट में कह रहा है कि चालीस का पूरक कौन क्या होगा देखिए तो पूरक होता है एक सम्पूरक होता है अगर आपसे पूरक पूछेगा एग्जाम में तो नब्बे में घटाकर बताना अगर सम्पूरक बोलेगा तो एक सौ अस्सी में घटाकर बताना तो आप बोलते हो सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब पूरक कब नब्बे में घटाएंगे कब सम पूरक में घटाएंगे तो बाबू रे मेरा सुन लो अच्छे से एक होता है पूरक और एक होता है संपूरक तो पूरक देखो छुटका लौकता है तो नब्बे में घटाना संपूरक थोड़ा बड़ा लौकता है तो इसको एक सौ अस्सी में घटा देना सिंपल तो है भैया मस्त ट्रिक है ठीक है हम भी यही ट्रिक अप्लाई करते थे आप भी यही करो ठीक है सिंपल सा हमको भी समझ में नहीं आता था कब नब्बे में घटाएंगे कब अस्सी एक सौ अस्सी में घटाएंगे ठीक है ना तो चालीस का पूरक बोला है तो नब्बे में चालीस कम कर दो भैया पचास आ गया कहाँ है ऑप्शन नंबर दो में आंसर आ जाएगा आपका ठीक है क्लियर है भाई चलते हैं अगले सवाल पे ठीक है ना अगला सवाल देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन में कह रहा है अस्सी का संपूरक कौन क्या होगा अब भैया संपूरक बोले हो तो संपूरक बोले हो तो 180 में कम कर देंगे तो 180 में 80 कम कर दो घटा दो कितना आ गया 100 ऑप्शन नंबर तीन इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी में आ जाते हैं बाबू रे क्वेश्चन नंबर थर्टी में ध्यान से समझना इसको ठीक है कह रहा है कि एक कौन की माप इसके संपूरक संपूरकन की माप से दुगनी है तो इसकी माप क्या होगी एक कौन है कोई भी कौन है उस वो कितना है पता है वो अपने संपूरक का डबल होगा कितना होगा संपूरक का डबल होगा तो उसकी माप क्या होगी ठीक है चलो अब यहां पर ना हम ऑप्शन बाय ऑप्शन इसको हल करेंगे यानी कि एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे कि, कि किसका संपूरक उससे डबल होना चाहिए ठीक है अब यहां पे देखो सबसे पहला ऑप्शन में बोला है दस तो दस का संपूरक निकाल लो दस का संपूरक कितना होगा एक सौ अस्सी में कम करके बताओ एक सौ अस्सी में कम करोगे कितना हो जाएगा बाबू एक सौ सत्तर हो जाएगा ना तो क्या एक सौ सत्तर का ये डबल है ये बताओ है नहीं ना है तो ये ऑप्शन खत्म ऑप्शन नंबर दो को चेक करो ऑप्शन नंबर दो में कितना है साठ साठ का कितना बीस क्या ये 120 एक सौ बीस का डबल है नहीं है खत्म ऑप्शन नंबर तीन को चेक करो कितना है भैया 120 120 का संपूरक यानी 180 में कम कर दो 120 घटा दो कितना आ गया साठ क्या ये साठ का डबल है सर बिल्कुल डबल है तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन अब समझ में आया 120 क्यों हुआ 120 क्यों हुआ क्योंकि यह अपने संपूरक का डबल है क्या है संपूरक का डबल है क्वेश्चन यही कह रहा था कह रहा है एक कौन की माप चलिए मान लीजिए कि वो कौन 120 है इसके कोण की माप से दुगनी है कोण की माप कोण इसका कितना होगा बताओ इसका संपूरक कितना होगा साठ साठ की दुगनी है साठ का दुगना है ना एक हो गया आंसर एक और क्या चाहिए भैया इतना अच्छा से समझा दिया है वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना जल्दी इसका पार्ट फोर लाएंगे जो जिससे आपका ये पूरा का पूरा चालीस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा वीडियो कैसा लगा कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में जाइएगा वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा इसके पहले वाले पार्ट का और साइंस वाले पार्ट को जरूर देख लीजिएगा साइंस इसके साथ पूछा जाएगा कंबाइंड करके तो उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है देख लीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू